हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 12th इंग्लिश का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स को पढ़ेंगे, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ। देखिए, आप सभी को पता है कि आपके 12th इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन इससे साथ साथ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स का एक वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं और बहुत सारे वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि सिनोनिम्स क्या होता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, आपको इसका आंसर किस प्रकार से देना होता है। देखिए, सिनोनिम्स का पहले हम हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ लगते हो। देखिए, वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका अर्थ समान होगा। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते थे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द हिंदी में, वैसे यहां पर समानार्थी शब्द होता है। अभी समझ में आ जाएगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, देखिए 25 महत्वपूर्ण सिनोनिम्स। एक तरफ आपका वर्ड लिखा रहेगा, एक तरफ सिनोनिम्स। जो वर्ड लिखा है उस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो सिनोनिम्स मैं लिखूंगा उस प्रकार से आपको लिखना होगा। देखिए, जैसे फर्स्ट है आपका अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। हिंदी आप लोग समझिए तभी आपके समझ में आएगा। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा परमिट, या आप लोग लिख सकते हैं एक और इसका सिनोनिम्स, ठीक है, ग्रांट, GRANT, ग्रांट। इन दोनों का मतलब भी होता है अनुमति देना। तो देखिए, इन दोनों का अर्थ समान है लेकिन वर्ड देखिए अलग अलग है। ये अलाउ है, ये परमिट है, ये ग्रांट है, वर्ड अलग है बट इनका अर्थ समान है, तो इसी को हम कहेंगे समानार्थी शब्द। ये वर्ड जो है वो समान अर्थ रखते हैं। तो अलाउ का मतलब अनुमति देना, परमिट और ग्रांट का मतलब भी होता है अनुमति देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा ऐड। ऐड का मतलब होता है मदद या सहायता। ठीक है, तो इसका सिनोनिम बताइए, सभी को पता है हेल्प। हेल्प का मतलब भी होता है मदद या सहायता। ठीक है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो हेल्प का मतलब भी वही होता है, ऐड का मतलब भी वही। तो देखिए, वर्ड अलग अलग है, इनका अर्थ सेम है। ऐसे धीरे धीरे समझिए, आपको मैं डीपली समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो 25 मैंने लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो इसका होता है चार्मिंग। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा चार्मिंग, या आप एक और लिख सकते हैं प्लीजेंट। देखिए, आपको एक ही लिखना है। ठीक है, दो लिख देंगे तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चार्मिंग एंड प्लीजेंट, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्यूटीफुल का चार्मिंग एंड प्लीजेंट। ये दोनों, इसका मतलब होता है सुंदर, इन दोनों का मतलब भी होता है सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर में है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना या किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्ट या मेक। इन दोनों का मतलब भी होता है बनाना या निर्माण करना। ठीक है, तो बिल्ड का मतलब भी बनाना और कंस्ट्रक्ट एंड मेक का मतलब भी बनाना। तो इस प्रकार से आपको सिनोनिम्स लिखने होते हैं। फिफ्थ देखिए, हम अल्फाबेटिकल हिसाब से चलते हैं। पहले ए से मैंने बताया, फिर बी से वर्ड आया, अब सी से आएगा। ठीक है, ऐसे से हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा पांचवा है करेज। करेज का मतलब होता है साहस, तो इसका क्या हो जाएगा ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब भी होता है साहस। ठीक है, ये आप लोग एक और लिख सकते हैं इसका वेलर। वेलर का मतलब भी होता है साहस, तो इन दोनों का मतलब भी साहस ही होता है। सिक्स नंबर देखिए, चैंपियन। चैंपियन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, चैंपियन का मतलब विजेता, तो विनर का मतलब भी विजेता होता है, तो विनर लिख देंगे इसका, या आप लिख सकते हैं विक्टर। ठीक है, तो सॉरी विक्टर लिखिए, विक्ट्री नहीं, तो विक्टर का मतलब भी होता है विजेता। तो चैंपियन का मतलब भी विजेता, विनर और विक्टर का मतलब भी होता है विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब सभी को पता है कीमत। ठीक है, इस वस्तु की कॉस्ट कितनी है, तो इसका हो जाएगा प्राइस। प्राइस भी आप कह सकते हैं इसकी प्राइस कितनी है, या आप लोग पूछते होंगे रेट कितना है इसका। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब भी कीमत, प्राइस एंड रेट का मतलब भी कीमत होता है। ठीक है, सभी को पता। एट नंबर देखिए हमारा है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हैप्पीनेस। ठीक है, या इसका एक और होता है जील। इन दोनों का मतलब भी होता है प्रसन्नता या खुशी। ठीक है, तो डिलाइट का मतलब भी खुशी, हैप्पीनेस एंड जील का मतलब भी खुशी, दोनों के अर्थ समान है। ऐसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसे ही आपको आंसर लिखना होगा। नाइन नंबर देखिए हमारा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है हताशा या विकृति। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन, या आप लोग लिख सकते हैं सौरव। तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है हताशा या दुखी, फ्रस्ट्रेशन एंड सौरव का मतलब भी होता है हताशा या दुखी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है 10 नंबर। सभी को पता है इरर। इरर का मतलब क्या होता है, किसी चीज में इरर हो जाए, यानी कि गलती,
ठीक है। तो गलती का सभी को पता है मिस्टेक होता है, मिस्टेक का मतलब भी गलती होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। या आप लिख सकते हैं फॉली, फॉली का मतलब भी होता है गलती, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि एरर का मतलब भी गलती, मिस्टेक एंड फॉली का मतलब भी गलती। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, फैटल। फैटल का मतलब होता है, क्या होता है फैटल का मतलब? फैटल का मतलब घातक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डेडली, डी ई ए डी एल वाई, ठीक है, एल वाई, डेडली। या आप लिख सकते हैं डेंजरस, डेंजरस। तो देखिए फैटल का मतलब घातक, ठीक है, और डेडली एंड डेंजरस का मतलब भी होता है घातक, ठीक है। तो दोनों जो है घातक है, जैसे कोरोना वायरस इज ए फैटल डिजीज, कोरोना वायरस एक घातक बीमारी है, ठीक है। तो इसका डेडली या डेंजरस एक खतरनाक बीमारी है, तो एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा है फैंट। फैंट का मतलब होता है मूर्छा, ठीक है, या बेहोश होना। तो इसका हो जाएगा वीकन, वीकेंड का मतलब भी होता है विहोश होना या मूर्छा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए 13 नंबर हमारा है हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है? सभी को पता है हैबिट का मतलब होता है आदत, ठीक है। हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। तो इसका हो जाएगा रूटीन, आर ओ यू टी आई एन ई, या आप लिख सकते हैं एडिक्शन, ठीक है। देखिए हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत, और रूटीन का मतलब भी आदत होता है। तो इसका आप लोग एडिक्शन भी लिख सकते हैं, एडिक्शन, ठीक है। इन दोनों का मतलब भी होता है आदत, जैसे आपकी रूटीन क्या है, आपकी आदत क्या है, ठीक है। तो आप लोग लिखते होंगे हैबिट। 14 नंबर देखिए आइडल। आइडल का मतलब होता है आलसी, तो आलसी का आप लोग लिख सकते हैं इनएक्टिव, इन एक्टिव, या आप लोग लिख सकते हैं डल, ठीक है, इनएक्टिव या डल। इसका मतलब भी होता है क्या? इसका मतलब भी होता है आलसी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडल जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडल का मतलब आलसी, इनएक्टिव या डल का मतलब भी आलसी। आप लेजी भी लिख सकते हैं, लेजी का मतलब भी आलसी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर हमारा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है असीमित या अनंत, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लिमिटलेस, लिमिटलेस, लिमिटलेस का मतलब भी होता है असीमित या अनंत, या आप कह सकते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम, ठीक है। और लिमिटलेस के बाद आप लोग एक और लिख सकते हैं एंडलेस, जिसका कोई एंड ना हो, ठीक है, जिसकी समाप्ति ना हो। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा है जॉय। जॉय का मतलब होता है आनंद, तो इसका सभी को पता है डिलाइट, डिलाइट का मतलब भी आनंद होता है, ठीक है। डिलाइट लिख सकते हैं या प्लेजर लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब भी होता है आनंद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर लिफ्ट्रे। लिफ्टर का मतलब होता है चमक, लिफ्टर का मतलब क्या होता है? चमक। तो इसका हो जाएगा साइन, साइन का मतलब भी चमक होता है, या ब्राइटनेस, जब आप लोग अपने मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ाते हैं लैपटॉप का, तो इसको भी ब्राइटनेस लिख सकते हैं, इन दोनों का मतलब भी चमक होता है। नेक्स्ट हमारा है मैग्निफिसेंट। बहुत आप लोग सुने होंगे, जब आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, जब आप सोचते हैं मैग्निफिसेंट शॉट, यानी कि शानदार शॉट, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब भी होता है शानदार, मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, और स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार, और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी शानदार। तो ये सब आप लोग जब कोई गेम देखते होंगे, जैसे क्रिकेट हो गया, तो आप लोग ये सोचते होंगे मैग्निफिसेंट शॉट, आउटस्टैंडिंग शॉट, ठीक है। तो ये सब यहाँ शानदार इसका मतलब होता है। 19 नंबर है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं जनरल, जनरल का मतलब भी सामान्य, और सिंपल सेंटेंस, सामान्य, सिंपल, तो सिंपल भी आप लिख सकते हैं। तो नॉर्मल का मतलब सामान्य, जनरल एंड सिंपल का मतलब भी सामान्य। 20 नंबर है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, तो इसका आप लिख सकते हैं क्राइम, क्या लिख सकते हैं? क्राइम, या आप लिख सकते हैं मिसडीड, मिसडीड, इन दोनों का मतलब भी होता है अपराध। नेक्स्ट हमारा है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है नम्र, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं हम्बल, हम्बल, या आप लिख सकते हैं जेंटल, इन दोनों का मतलब भी होता है क्या? नम्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, ठीक है। इसका क्या होगा? तो साइलेंट का मतलब भी शांत होता है, सभी को पता है, या पीसफुल आप लिख सकते हैं, पीसफुल, इन दोनों का मतलब भी होता है शांत। नेक्स्ट हमारा है रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब क्या होता है? उत्तर देना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर। आंसर का मतलब भी उत्तर देना होता है, आप लिख सकते हैं रिवर्ट, रिवर्ट, इन दोनों का मतलब भी होता है उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सैवेज। सैवेज का मतलब होता है जंगली, तो आप लोग जानते हैं वाइल्ड का मतलब भी जंगली होता है, डब्ल्यू आई एल डी, वाइल्ड का मतलब भी जंगली होता है, और बारबेरिक, बारबेरिक का मतलब भी होता है जंगली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वेश्चन टारगेट।
टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। तो देखिए आप लोग कहे होंगे गोल आपका क्या, लक्ष्य क्या है, या एम, इन दोनों का मतलब भी होता है लक्ष्य, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन क्या है आंसर इन कमेंट बॉक्स, यानी कि आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि वार का सिनोनिम्स क्या होता है, यानी कि वार का मतलब होता है युद्ध, अब युद्ध का और दूसरा सिनोनिम्स क्या होगा जिसका मतलब भी युद्ध हो, ठीक है। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि वार का सिनोनिम क्या होगा। आई होप कि आपको ये 25 सिनोनिम्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और ये भी बताना है कि आप में से इन 25 में से आपको कितने सिनोनिम्स ऑलरेडी पता थे, ठीक है।